हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेसन, बायोडायवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, कई भागों में मैं इसको प्रस्तुत करूंगा, तो अपना पेशेंस बनाए रखें और पढ़ते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इसमें बायोडायवर्सिटी। पता ही है आपको कि एक स्पीशी की बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम की डायवर्सिटी क्या होती है, क्या क्या थ्रेट हैं, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस लेसन में और आने वाले कुछ लेसन्स में। ओके, आप सब लोग मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। कृपया इस कोर्स में एनरोल करना ना भूलें, अपने मित्रों को भी बताएं कि वो इस कोर्स में एनरोल कर लें। एनरोल करने पर उनके पास ईमेल पहुंचेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा जैसे ही मैं कोई लेसन इसमें अपडेट करता हूं। तो बायोडायवर्सिटी सबसे पहले ये है क्या, तो डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, मतलब किस तरह से लाइफ वेरी कर रही है। अब पहला क्वेश्चन है कि लाइफ है क्या, ठीक है ना। लाइफ के बारे में किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट इज बायोडायवर्सिटी। मतलब प्लांट की और एनिमल की जो डायवर्सिटी है, जो टाइप्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब प्लांट्स एनिमल्स के जीन्स भी होती हैं, है ना, तो भाई वही उसको हम बोल देंगे जेनेटिक डायवर्सिटी। अगर स्पीशी की बात चल रही है तो हम बोल देंगे स्पीशीज डायवर्सिटी। अगर इकोसिस्टम की बात चल रही है तो हम बोल देंगे इकोसिस्टम डायवर्सिटी। सिंपल कंसेप्ट है। अब स्पीशीज बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है, जो आपस में इंटरब्रीड, जो स्पीशी मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो, उनको स्पीशी बोलते हैं। उनका जेनेटिक बेस लगभग सेम होता है, है ना, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो वो हमारी स्पीशी हो गई। जैसे ट्राइटिकम एस्टिवम एक वीट की है, अब ट्राइटिकम ट्राइटिकेल वो एक दूसरी स्पीशी है, ठीक है। ट्राइटिकम जीन स्पीशी हो गई और ट्राइटिकेल जीनस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब स्पीशी रिचनेस से पहले हम पढ़ेंगे स्पीशी इवननेस। तो स्पीशी जो बायोडायवर्सिटी हो गई वो तो डिफरेंट नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी इन अ रीजन हो गया, ठीक है। अब स्पीशी इवननेस क्या है कि जो डायवर्सिटी है ना वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है और कितना क्लोज है। तो मतलब एक ही इंडेक्स है जिसको हम स्पीशी इवननेस, एक तरीके से इंडेक्स है जिसको बोला डायवर्सिटी इंडेक्स। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि दो पर्टिकुलर स्पीशी एक दूसरे से कितना डाइवर्स है और कितना क्लोज है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्पीशी इवननेस। तो अब स्पीशी रिचनेस प्लस स्पीशी इवननेस इज नोन एज स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, ठीक है। ये एक बड़ा कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है, ये इसके सबसेट है। ये तो सिंपल काउंटिंग हो गई स्पीशी की एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। लेकिन ये है बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल स्पीशी और उनकी इवननेस, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों आते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पीशीज एबंडेंस। एबंडेंस तो बहुत ही सिंपल चीज है, मान लो दो खेत हैं, एक खेत में गेहूं कम है, दूसरे खेत में गेहूं ज्यादा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई इसके कंपैरिजन में जो है, राम के कंपैरिजन में श्याम के खेत के गेहूं अच्छे हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है कि एक इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्पीशी हैं वो दूसरे इकोसिस्टम के कंपैरिजन में कम हैं या ज़्यादा हैं। जिसमें ज़्यादा होंगी तो उनको बोल देंगे भाई यहाँ पे ये स्पीशी या ये ऑर्गेनिज्म एबंडेंट है एज कम्पेयर टू दैट इकोसिस्टम। समझना आगे बात। तो ये तो हो गया स्पीशी एबंडेंस। दूसरा है फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें इसका फाइलोजेनेटिक मतलब ही ये होता है कि जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप ऑफ स्पीशी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई रिलेशनशिप दो स्पीशी की जेनेटिकली क्या है, कितना उनके जीन्स सिमिलर हैं, कौन से उनके पेरेंट ऑर्गेनिज्म थे, क्या कौन से उसमें वाइल्ड जीन हम डाल सकते हैं। तो ये जो बॉटनिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इस पर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टैक्सोनॉमिक और फाइलोजेनेटिक डायवर्सिटी। अब अगला है हमारा दोस्तों जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। ये सिंपल सी बात है कि एक बायोलॉजिकल स्पीशी की जीन्स कितनी डाइवर्स है, कितनी ब्रॉड है,
कितने तरह के प्रोटीन कोड करती हैं, ठीक है। तो वो किसी भी तरह किसी भी वजह से हो सकता है कि भाई डिफरेंट कल्टीवर वैरायटी हैं, वाइल्ड वैरायटी से उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनका एवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, बट जेनेटिक बेस डाइवर्स होता जा रहा है, बट दे आर स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस, वो अभी भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर पा रहे हैं। तो टेक्निकली दे आर द सेम बायोलॉजिकल स्पीशी, वो अभी भी एक बायोलॉजिकल स्पीशी है, लेकिन उनकी जीन्स जो हैं वो डाइवर्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो जितनी डाइवर्स जीन होंगी उतनी उनकी जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन थी, इसमें स्पीशीज एबंडेंस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम कितने तरह से हो सकते हैं, तो उनकी जो जो डाइवर्सिटी है उसको बोलेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जैसे लेक हो सकता है, डेजर्ट, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, एस्चुरी, वेटलैंड, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, रॉक, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस इकोसिस्टम, कितने भिन्न भिन्न तरह की इकोसिस्टम है ना ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब आता है, अगर एक इकोसिस्टम के अंदर हम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। अगर दो इकोसिस्टम के बीच का स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर हम करेंगे जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम है, मोर देन टू, तो उसको बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि जो ब्लू पार्ट है वो अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में मल्टीपल इकोसिस्टम है, तो पूरे अर्थ के इकोसिस्टम की जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आता है कीस्टोन स्पीशी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लो। तो ये वो स्पीशी होती हैं जिनका नंबर बहुत कम होता है, ठीक है, जिनका बायोमास बहुत कम होता है, लेकिन वो फूड वेब में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि उनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज से डिसप्रोपोर्शनेटली कनेक्टेड होती हैं। फूड वेब में उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो बहुत सारे स्पीशीज का या तो खाना होती हैं या वो बहुत सारे स्पीशीज को खाती हैं, ठीक है। तो अगर जिस स्पीशी की फूड वेब में इम्पोर्टेंस बढ़ गई, तो अगर उसको आप फूड वेब से हटाओगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा कई जगह, कई एग्जाम्पल भी हुए हैं, कई जगह ऐसा देखा गया है। तो सी ऑटर उस तरह का एक एग्जाम्पल है जो फूड वेब में इस तरह से अटका हुआ है, इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस है कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं उसको, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब वो इकोसिस्टम सी ऑटर पर डिपेंडेंट है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। अब इनकी, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इनके नंबर और इनका बायोमास बहुत कम होता है, लेकिन उनकी औकात जो बोलते हैं ना, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इनको बोला है की स्टोन, मतलब की स्पीशी है, स्पेशल स्पीशीज हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंडिकेटर स्पीशी, ठीक है। इंडिकेटर स्पीशी ऐसी स्पीशी हैं जो एनवायरमेंट में कुछ चेंज दिखाती हैं। मान लो पॉल्यूशन हुआ, जैसे ही एयर पॉल्यूशन बढ़ता है वैसी मॉसेज और लाइकेंस वहाँ से हट जाती हैं। जैसे ही सीवेज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है वैसे ही ट्यूबीवैक्स वॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशी। एक तीसरी स्पीशी होती है जिनको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशी या फिर एलियन स्पीशी, जो उस पर्टिकुलर रीजन की, उस इकोसिस्टम की नहीं होती हैं, कहीं बाहर से आई होती हैं। जैसे कांग्रेस ग्रास हो गई, ठीक है, जैसे यूकिलिप्टस हो गया, ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो उनको बोलते हैं एलियन या फिर इन्वेजिव स्पीशी, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, ये लेसन आपने देखा। एमसीक्यूज की रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही है मेरे पास, मैसेजेस भी आ रहे हैं कोरा पे और फेसबुक पे, तो मैं उनको कंप्लीट करता हूँ दोस्तों, वो भी होंगे, हो जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।